इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा से। यूपी के जनपद आगरा में अधिवक्ताओं ने किया एमजी रोड जाम और जमकर नारेबाजी किया। यूपी के आगरा में एमजी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे लगाए जाने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एमजी रोड पर जाम लगा दिया। इसी के साथ ही अधिवक्ताओं ने एमजी रोड पर पुतला फूंका, जिसमें काफी सारे वाहन करीब आधा घंटे तक फंसे रहे। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि अधिवक्ताओं ने गुरुवार को दोपहर दीवानी परिसर के सामने एमजी रोड पर जाम लगा दिया। उनका आरोप था कि अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने पुतलियां फूंकने के बाद जमकर नारेबाजी की। जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने एक न मानी। बाद में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। करीब आधा घंटे तक वाहन फंसे रहे। आपको बताते चले कि एमजी रोड पर जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अधिवक्ता भले ही वहां से हट गए, लेकिन वाहन काफी देर तक फंसे रहे। बाद में पुलिसकर्मियों ने धीरे धीरे यातायात सामान्य कराने की कोशिश की। आगरा से हमारे सहयोगी अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। मैं मुकेश शर्मा। पिछले दो महीने से अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। 7 जून की घटना मेरे साथ हुई। मैं मॉर्निंग वॉक का था, मेरे को पीछे से हैक किया और मेरा घुटना टूट गया। उसमें एक महीने बाद FIR दर्ज की SHO ने, सागंज ने। जो घटना के शख्स थे वो मिटा दिए गए। नंबर दूसरी घटना यही है, मेरे तो अज्ञात में था, कोई बात नहीं है। दूसरी घटना ये 10 और 11 जून अदर शर्मा पर हमला होता है, नामजद FIR दर्ज होती है, लेकिन पुलिस और जिस व्यक्ति ने घटना घटित की उसके रसूख के चलते कोई उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं है। और तीसरी घटना यही है, 22 जून हमारे अधिवक्ता हैं ब्रजेश भदौरिया और सचिन प्रताप भदौरिया, वो अपने मुवक्किल की पैरवी के लिए कलेक्ट्रेट में जाते हैं और SHO रकाबगंज, वहाँ पर उनके जो हमारी वर्दी होती है, जैसे पुलिस वालों की वर्दी होती है, ऐसे वकीलों की वर्दी होती है, कोर्ट को छीन लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं वकीलों की गर्माबंद की। इसके अलावा उनके साथ साथ झूठे फर्जी मुकदमे 7 CLA और महामारी अधिनियम जैसे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। उसके बावजूद भी एक अधिवक्ता की भी टक्कर हुई, उनकी खैर मैंने सिफारिश की कि था उनकी लिखी जाए तो उन्होंने लिखी। अब हमारा ये कहना है कि ऐसी क्या बात हो रही है तो हमलावर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिस के क्या कोई रिश्तेदार लगते हैं वो कि रिश्तेदारी निभाई जा रही है कि साहब हम उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। और जाम हमें मजबूरी लगाना पड़ा है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया, कार्रवाई हुई। कार्रवाई के नाम पर अगर हम इन्हें फोन भी करते तो फोन तक नहीं उठाते। तो मजबूरी में आज अधिवक्ता जरा पूरा आगरा का समस्त अधिवक्ता सड़कों पर है और आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया है इसी वजह से कि आपकी जो कार्ड प्रणाली है निरंकुश कार्ड प्रणाली है, आपका कोई भी प्रशासन पर कमांड नहीं है, प्रशासन निरंकुश हो चुका है। ये हालत देख लीजिए, जाम इस तरह लग रहा है, अगर एक भी उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं है इस बात से लगा लीजिए कि प्रदेश में क्या शासन चल रहा होगा।